ओके जी, फॉर्मली आई वेलकम यू टू दिस क्लास टुडे। एज आई सेड, टाइम इज ऑलमोस्ट, मतलब हम ओवर हो चुके हैं टाइम से थोड़ा, और अभी तक आप तीन लोग ही हैं, तो मैं मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 2 ही घंटे की क्लास होती है हमारी, और उसके अंदर भी अगर हम इंतजार करते रहे लोगों का तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ इम्पोर्टेंट था आज की और कल की क्लास, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आखिरी क्लासेस हैं। यहाँ पे हम बहुत कुछ समराइज भी करने वाले हैं, कुछ नया भी पढ़ेंगे, कुछ बहुत कुछ समराइज भी करेंगे। तो उस हवाले से जिन लोगों ने, मतलब आज प्रेजेंट नहीं है, वो लाजमी बात है कि डायरेक्ट एडवांटेज नहीं ले सकते उन चीजों का। अलबत्ता रिकॉर्डिंग फिर भी अवेलेबल होगी, आप उससे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटरेक्ट करने वाली हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये डिसाइड करना है कि हमने एग्जाम कैसे लेना है, कब लेना है, तो उन हवालों से उन्हीं लोगों की इनपुट डाली जा सकेगी जो आज प्रेजेंट होंगे। अच्छा, मैं उसके हवाले से बता दूं कि चूंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप लोग ऑफिस से बैठ के काम कर रहे होते हैं और क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, और लाजमी बात है कि अटेंशन स्पैन भी उसके हिसाब से, बीच में मीटिंग भी हो रही हैं, लोग आ जा भी रहे हैं, फोन भी हो रहे हैं, तो उस हवाले से ये टाइम सूटेबल नहीं है एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज और कल की क्लास हो जाने के बाद मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगले वेंसडे तक आपको एग्जाम की तैयारी का टाइम दिया जाए, और वेंसडे को कोई ऐसा टाइम बताएं जिसमें आप ऑफिस में ना हो, जिसमें आप बिल्कुल तसल्ली से बैठे हुए हों और इस हफ्ते में तैयारी भी करें, और आपको 2 घंटे देने होंगे एग्जाम के लिए, 2 घंटे एग्जाम के लिए देने होंगे। 100 सवाल होंगे, सवाल इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन 2 घंटे आपके आपको दिए जाएंगे इसके लिए। तो आप अब ये देख लीजिए कि किस तरह करना है और कौन सा टाइम सूट करता है। ऑफिस टाइम के बाद घर जाके तसल्ली के साथ बैठें और वहां से आप ये करने की कोशिश करें। तो अभी मैं वो आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या टाइम आपको सूट करेगा अगले वेंसडे। सर, हम लोग तसल्ली के लिए ऑफिस आते हैं घर से बच के, आप कह रहे घर जाके तसल्ली। नहीं तो आप तसल्ली से टाइम नहीं देते ना क्लास के लिए, मतलब मोस्ट ऑफ ऐसे घर में और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है सर। ऑफिस में तो चलो मीटिंग वगैरह आ जाती है, तो वो से अभी भी मीटिंग चल रही है पैरेलल में मेरी उसमें। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि यही टाइम रखा जाए 3 से 5 का, तो इस बात की गारंटी होगी कि आप लोग कंसंट्रेट करके एग्जाम देंगे? नहीं सर, सॉरी, इस टाइम पे ना रखिएगा एग्जाम्स को प्लीज। इस टाइम पे हमारी वो डे की क्लोजिंग चल रही होती है, सारे अप्रूवल्स पेंडिंग होते हैं। अच्छा, और इस वक्त तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकली नहीं हो सकेगा। अच्छा सर, ये थोड़ा सा क्लासेस बीच में मिस हो गई, ये मतलब ये प्रॉपर ACP का PMI की तरफ से एग्जाम होगा, और कॉस्ट वगैरह की इसका क्या होगा? सर, PMI की तरफ से एग्जाम नहीं है, ये हमारा एग्जाम है, आपको जो पढ़ाया है उसके मुताबिक, लेकिन आपको तैयारी मैंने ACP की कराई है। अगर आप ACP का एग्जाम देना चाहेंगे तो उसके तो आपको बकायदा फीस देनी पड़ेगी ना PMI को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, वो आप बुक करवा के एग्जाम देंगे, और इंशाल्लाह मतलब जो कुछ आपको यहाँ पढ़ाया गया है उसके नतीजे में आप लाजमी तौर पे पास हो जाएंगे। तो ये उसका एक समझ लीजिए कि हमारे कोर्स का एग्जाम है। ठीक ठीक ठीक। और इसकी फीस जो है वो आपसे पहले भी बात हुई थी, यानी वो 540 के करीब है, तो वो डिस्काउंटेड अगर आपके थ्रू करें तो वो 400 कुछ डॉलर्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? नहीं, वो आप मेरे को थोड़ा मिस्टेक करें। देखें, जो तो है ना एग्जाम की फीस, एग्जाम वो मैं जी, नहीं लेता, जी, जी, जी। वो मैं नहीं लेता, PMI लेती है। हाँ, स्क्रम आपने मेरे से पढ़ा होगा, स्क्रम का है एक तरीकाकार है कि स्क्रम वालों को अगर आप डायरेक्टली पे करें तो जो उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, अगर आप मेरे थ्रू करेंगे तो मेरे पास डिस्काउंट होता है 10% का। स्क्रम की, सिर्फ स्क्रम के हवाले से बात कर रहा हूँ। ACP का जहां तक ताल्लुक है, ACP में ऐसा कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। जो स्क्रम में SMC, जी जी, SMC अगर हम करना चाहें इसी को करके, जी जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उसकी कितनी, वो कितनी उसकी फीस कितनी है और कितना डिस्काउंट हो जाएगा उसका? मेरा ख्याल है आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख लें जरा, मुझे अभी जुबानी याद नहीं है, $460 है कैसे कुछ है, वो जितने भी हैं उसमें से 10% ऑफ हो जाएंगे आपको अगर आप मेरे थ्रू बुक करेंगे तो।
अच्छा ठीक है। अच्छा जी, फिर टाइम क्या डिसाइड हुआ? जी रिजवान अख्तर साहब भी आ गए हैं, देखूं मैं कौन कौन है। हाँ यही लोग हैं, रिजवान अख्तर साहब हैं, सैयद अली रजा हैं, खालिद सरवर हैं, अहमद कुर्रम और अहमद फारूक। अच्छा रिजवान साहब, आपकी गैर मौजूदगी में हम ये बात कर रहे थे कि आज और कल ही क्लास है, खत्म हो जाएगा इसके बाद, और इसके अलावा आज हमें थोड़ा तेज चलना है क्योंकि कल मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी चीजें आपको समराइज कराई जाए, पूरा जो पढ़ा है उसकी समरी एक की जाए। और पेपर के लिए अगले हफ्ते वेंसडे को 2 घंटे डेडिकेटेडली आप लोगों के रिक्वायर्ड हैं, और मैं ये पूछ रहा था कि कौन सा टाइम सूट करता है। मेरे ख्याल अगर हम 5 से 7 बजे का रख सकते हैं सर। अब बाकी लोगों से पूछ रहे, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, 5 से 7 मुझे तो सूट करता है। अच्छा सर एक और चीज की है, जरा कंप्लीट मटेरियल का भी एक दफा लिंक शेयर कर देंगे, कुछ क्लासेस मिस हो गई हैं तो जहां ये कंप्लीट हमें स्लाइड्स वगैरह और ये मिल जाएं एक उसके ऊपर। जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो तो यूट्यूब पे जा रही हैं। जी जी जी, यूट्यूब से आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, उसका लिंक मैं हर दफा आपको भेज देता हूँ। जी जी, वो है स्लाइड्स, जो ये स्लाइड्स स्लाइड्स का लिंक मैं आपको कभी दे देता हूँ, मतलब वो तो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, अभी भी मैं देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी जी। और कोर्स का ये सर्टिफिकेट जो है ये कल फिर वो मिल जाएगा एनरोल करने के लिए, अगर एग्जाम मुझे प्रॉपर है। अगर आपने एसीपी का एग्जाम देना है, जी जी एसीपी का, एसीपी का अगर आपने एग्जाम देना है तो उसके लिए आपका यही जो सर्टिफिकेट आपको पीटीसीएल से मिलेगा दैट कैन वर्क, मगर अगर आपको जल्दी आप फौरी एग्जाम करना चाह रहे हैं। नहीं, तो नहीं अभी फौरी तो नहीं है। नहीं, नहीं, जी, पीटीसीएल का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा ना, अगर जी, वो ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं अपना सर्टिफिकेट आपको इशू कर दूंगा। ठीक ठीक। अच्छा जी, तो टाइम क्या डिसाइड हो रहा है, एक तो वेंसडे को 5 से 7 की प्रपोजल आई है और सैयद अली रजा साहब ने कहा, अब मुझे बताइए कि आप लोग बाकी लोग एग्री करते हैं? नहीं सर, 3 नमाजें आती हैं, 5 से 7 तो यहाँ पे कराची में, दो तो आती हैं। और ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लोग कहते हैं जी हम घर जाके नहीं एग्जाम देंगे क्योंकि घर में बहुत शोर शराबा होता है, और मेरा पॉइंट ये है कि आपके ऑफिस में बहुत शोर शराबा होता है, आप वहां कैसे एग्जाम देंगे? और अगर देंगे तो फिर ये इंश्योर करें कि जो भी टाइम आप सिलेक्ट करते हैं उसमें आपने और कुछ नहीं करना, एग्जाम देना है। तो फिर 2 to 4 कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं, आप 2 to 4 कर लें, 2 to 4 कर लें जी, 2 to 4, लेकिन सब अपने कमरे सील करके बैठेंगे, किसी को अंदर नहीं आने देंगे, नहीं तो आपका मकसद फेल हो जाएगा। 2 घंटे चाहिए मुझे सिर्फ आपके, अगले वेंसडे को 2 to 4 की प्रपोजल सैयद अली रजा साहब ने दी है, 2 से 4। क्या कहते हैं जी अहमद फारूक साहब? सर जी देख लें जिस तरह सारे कहते हैं, आप तो बताइए ना, मैं आपकी राय ले रहा हूँ। ओके विद यू, नॉट ओके जी, ठीक है 2 से 4, ठीक है ओके ओके जबरदस्त। खुर्रम रफी साहब 2 से 4 ओके, नॉट ओके। सर डे कौन सा है 2 से? सर बुध को ही रख रहे हैं जी, बुध को ही, ठीक है सर, ठीक 2 से 4 कर लेंगे, मैंने सोचा कुछ। ओके ओके वंडरफुल। खालिद सरवर साहब ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, 2 से 4 डन हो गया जी। रिजवान साहब ठीक है जी, रिजवान साहब, रिजवान अख्तर, रिजवान साहब आप सुन रहे हैं मुझे? कैन यू हियर मी? अच्छा अगर नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है, कोई मसला आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, तो आप मुझे चैट में भी लिख सकते हैं, बट एनीवेज, सो दिस इज डिसाइडेड कि एग्जाम विल बी ऑन वेंसडे अगला जो आ रहा है, और 2 से 4 एग्जाम होगा। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा एग्जाम का, एग्जाम वाले दिन आपने 2 बजे उस लिंक पे जाना है और एग्जाम शुरू कर देना है, कोई ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली उस लिंक पे जाना है, गूगल फॉर्म्स का लिंक है, उसके ऊपर एक पासवर्ड मैं आपको दूंगा, उस पासवर्ड से आपने अपने अपनी जगह एंटर हो जाना है,
और आराम से एग्जाम देने। अच्छा एक मैं आपको और बता दूं तसल्ली की बात कि इफ एनीबॉडी कैन नॉट सिट इन द एग्जाम ड्यू टू सर्टेन रीजंस, आप अपने 2 घंटे आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मेरी यही आपसे गुजारिश होगी कि मैं उसका एंड टाइम रख दूंगा, उससे लेट कोई ना हो। इसमें सबका भला हो जाएगा कि जो लोग नहीं टाइम पे आ सके या कोई और मसला, तो मतलब ये है कि आपको 2 से मैं 6 तक का टाइम दे दूंगा, लेकिन 2 ही घंटे आपको मिलेंगे। अगर आप 2 बजे शुरू करेंगे तो 4 घंटे में खत्म, 4 बजे खत्म करना पड़ेगा। अगर आप 3 बजे शुरू करेंगे तो 5 बजे खत्म करना पड़ेगा। अगर 4 बजे करेंगे तो 6 बजे खत्म करना पड़ेगा। एनीवेज अगर किसी का ये ख्याल है कि हम किसी और से पूछ के कुछ कर लेंगे, किसी ने पेपर दे दिया होगा, तो मैं ये भी बता दूं कि हर किसी को जो पेपर आएगा डिफरेंट आएगा, इसलिए इस बात से तो परेशान ही ना हो कि वो क्या है और किसी से पूछ लेंगे। सर आपसे तो पूछ सकते हैं ना फोन अ फ्रेंड करके। हाँ फोन अ फ्रेंड करें, मैं आपको गलत जवाब जरूर बताऊंगा। अच्छा जी चलें जी, ये मसला डन हो गया जी 2 से 4 वाला, और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं कल आपको फाइनल कंफर्म कर दूंगा, बल्कि आज ही कर दूंगा कंफर्म। अच्छा जी हम आते हैं सर, कोई मॉक टेस्ट टाइप का मिल जाएगा, जैसे ऑनलाइन टेस्टिंग फॉर अवेलेबल होती है चाहे अपने कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, तो कोई इस तरह का कोई टेस्ट वगैरह का? बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरह का ये एग्जाम बनाया है ना, मैं इस तरह के और बहुत से एग्जाम बना रहा हूँ, 7-8 एग्जाम में बना रहा हूँ, आपको वक्तन फवक्तन जब जरूरत होगी मेरे से लेते रहिएगा। ठीक है सर, स्लाइड्स का पाथ शेयर कर दीजिए सर। मैं अगर आप ओके, मैं अभी कर देता हूँ, अभी करता हूँ आपके सामने। मेरा ख्याल है मैं बाद में करता हूँ, क्योंकि टाइम इसमें बहुत लग रहा है, बिला वजह हम वक्त जाया कर रहे हैं। मैं इसके बाद कर देता हूँ, बाद में कर देता हूँ। अच्छा जी ऐसा है कि जो कुछ हमने पढ़ा, काफी तफसील में चीजें पढ़ चुके हैं और थ्योरेटिकली भी और अदरवाइज भी, और मेरा ख्याल है बहुत हमने बहस की, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बीच में से नजर से बच जाती हैं, और खासतौर पर जिस माहौल में आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, आपकी टेंशन मीटिंग्स की तरफ भी है, फोन की तरफ भी है, इधर उधर भी है, तो शायद अक्सर बातें ना समझ आएंगी। बट एनीवे आपके पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आप उनको सुन सकते हैं। बट एट द सेम टाइम टुमारो आई विल समराइज सर्टेन पॉइंट्स, राइट। आपको कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बातें समझ ली हैं जो मैंने की हैं, तो शायद जवाब खुद ब खुद इन सवालों के आपके सामने आ जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि पेपर मैं जो बनाऊं बहुत ही सादा बनाऊं, मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ट्रिकी ना बनाऊं, कुछ सिनेरियो बेस्ड ज्यादा ना करूं, सीधी सीधी बातें मैंने इसमें पूछी हैं कि अच्छा ये कब इस्तेमाल करते हैं, वो चीज क्या होती है, कैसी होती है, बस इस किस्म के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान। अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी तो शायद आप 1 घंटे में पेपर करके साइड पर निकल जाए, लेकिन 2 घंटे का टाइम आपके पास होगा। खैर ये जो मैं आज डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, आज वैसे तो ये काफी सारी स्लाइडें हैं, शायद मैं पूरी ना भी कर सकूं, लेकिन मैं इनमें से इनको स्कैन थ्रू करूंगा और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं एजाइल प्रोजेक्ट अकाउंटिंग की। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये जो बात है दिस हैज एवरीथिंग टू डू विद व्हाटएवर वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। हमने एजाइल की प्लानिंग की बात की थी, हमने एस्टिमेशन की बात की थी, हमने डिलीवरिंग वैल्यू की बात की थी। तो बुनियादी तौर पर अगर हम अच्छी प्लानिंग करेंगे, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक एस्टिमेशंस करेंगे और वैल्यू डिलीवर करने की बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वी आर डूइंग प्रोजेक्ट अकाउंटिंग। और इसमें ये एक इकोनॉमिक मॉडल है, इकोनॉमी को हम कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब अगर आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आप हाईएस्ट वैल्यू कंपोनेंट्स पहले डिलीवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट इज अ रेसिपी फॉर नॉट ओनली सक्सेस बट क्या कहते हैं प्रॉफिट, फायदा। आपका कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है और आप जल्दी उसे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। हाईएस्ट वैल्यू कंपोनेंट जब आप पहले देते हैं तो बेसिकली आपका पे बैक पीरियड बढ़ जाता है, आरओआई बढ़ जाता है। तो मतलब बुनियादी तौर पे ये दो चीजों को लिंक करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ना सिर्फ ये कि अच्छा काम बल्कि अच्छा फायदा भी, अकाउंटिंग पर्पजेज में भी ये चीज ज्यादा सूटेबल है।
एजाइल टीम कैसे करती है इसको, इसका एक टर्म मैंने पहले भी बात बोली थी, उसे कहते हैं जी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जैसे हम हाईएस्ट प्रायोरिटी चीजें पहले देते हैं, इसी तरह अगर जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं अगर वो फुली फॉर्म्ड नहीं दी जा सकती, तो कम अज कम जिस फॉर्म में भी दी जा रही हो कुछ ना कुछ काबिले इस्तेमाल तो हो। मतलब ऐसा ना हो कि कस्टमर ने हमें जो चीज बनाने को दी है वो प्रोजेक्ट के खत्म होने पे ही नजर आएगी कस्टमर को, उससे पहले वो उसको ना तो देख सकता है ना इस्तेमाल कर सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चूंकि डिलीवर कर रहे हैं साथ साथ, तो हमारी कोशिश इसमें ये भी है कि जिस हद तक चीज बन गई है वो काबिले इस्तेमाल हो, और भले उसमें बाद में फीचर्स ऐड हो जाएंगे लेकिन कुछ काम चलना शुरू हो जाए। तो जितनी जल्दी हम उसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पैदा करके उसको दे सकते हैं उतनी जल्दी वो उसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है, तो उसको बिला वजह का वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सूरत में ऐसा होगा, अक्सर सूरतों में ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि हम कोई चीज वर्केबल फॉर्म में दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसने मोटर बोट मांगी है, मैं उसको पहले एक किश्ती बना के दे दूं, एक ढांचा सा बना के दे दूं कि चल यार तू सामान ट्रांसफर करना तो शुरू करो आहिस्ता आहिस्ता, मैं इसके ऊपर बाद में बादबान भी लगा दूंगा, और बाद में मैं इसके साथ इंजन भी लगा दूंगा, बाद में मैं इसमें और भी चीजें लगा दूंगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो मैं इंटरिम पीरियड में चीजें डिलीवर कर रहा हूं, दे मे आर मे नॉट बी पार्ट ऑफ द अल्टीमेट प्रोडक्ट। एक तो तरीका ये होता है कि यही चीजें बिल्ड होती होती स्टीम बोट बन जाए, मोटर बोट बन जाए, और एक तरीका ये होता है कि इसको हम बाद में डिस्कार्ड कर देंगे और जो चीज इससे अगला फॉर्म बनी हुई है वो चीज आगे आ जाएगी। सो देयर मे बी अपॉर्चुनिटीज टू गेट अर्ली बेनिफिट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी व्हाइल द रिमेंडर ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्टिल बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये हमारी अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू नो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है MVP, इसकी और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज मार्केट में आ गई हैं। मैं एक लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर मिनिमम वायबल इंक्रीमेंट्स की भी बात की है उसने, और भी इस तरह के दो तीन मिनिमम वायबल फीचर की भी बात की है, इस तरह बहुत 3-4-5 टर्मिनोलॉजीज इससे हैं, लेकिन ये सब की सब बुनियादी तौर पे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से ही निकली है। Another change associated with breaking down the work into a minimum viable set of features is great opportunity for incremental funding. अगर हमें जो फंडिंग आ रही है वो इंक्रीमेंटल आ रही है, तो जब उसको हम ये वाला रिजल्ट पेश करेंगे, मतलब एक इंक्रीमेंट डिलीवर करेंगे, तो वो उसके नतीजे में हमारी अगली फंडिंग जो है वो एलोकेट होगी या फॉर दैट मैटर हमें मिलेगी। तो ये आपको अर्ली पेमेंट्स भी आनी शुरू हो गई, बजाय इसके कि आप प्रोजेक्ट पूरा डिलीवर करने का इंतजार करें और फिर आपको पैसे मिले, आपको साथ साथ जैसे जैसे आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट डिलीवर करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको पैसे मिलते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कैन रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क व्हेन डीलिंग विद थर्ड पार्टी वेंडर। जब कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि जब इतना दे देंगे तो इतना पैसा दे देना, तो वो दे देंगे, तो इस तरह से हमारा वो जो लंबा पैसा रिस्क पे फंसा रहता है कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा अप्रूवल वगैरह वगैरह, अप्रूवल भी यही हो रहा है। हम जब एक 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 स्प्रिंट को खत्म करते हैं तो उसकी वहीं पे हम उसका जो टेस्टिंग करवाते हैं या उसकी जो एक्सेप्टेंस करवाते हैं, और एक्सेप्टेंस के बाद दिस इज द ओनली थिंग विच इज लिंक टू द पेमेंट। अगर एक्सेप्टेंस हो गई है तो उन चीजों से मैंने बात की आपसे, तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आप बस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन सब चीजों में कोई अलामा बन जाए, आपको इन टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए और इनका मकसद पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा PhD करने की इसमें जरूरत नहीं है। जब आप एक्चुअली प्रोजेक्ट्स एजाइल करने की कोशिश करेंगे देन यू विल इनकाउंटर दीज डिलेमास एंड देन यू मे हैव टू लर्न देम इन डिटेल। अभी अगर इन डिटेल लर्न कर भी लें तो आपका फायदा कोई नहीं है,
क्योंकि आपने इस्तेमाल तो करना कोई नहीं, आपने दूसरे दिन भूल जाना है। तो इससे बेहतर है कि आप कम अज कम एक बेसिक आइडिया अपने सेन में हो, अच्छा यार मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होती है, मिनिमम वायबल फीचर क्या होता है, ठीक है, इंक्रीमेंट क्या होती है, दैट काइंड ऑफ थिंग। हाँ अलबत्ता अगर आपको क्यूरियोसिटी है, आप इसको इंटरनेट पर सर्च करें, आपको जबरदस्त इसके ऊपर आर्टिकल्स मिलेंगे। अपना नॉलेज अगर आप वाकई उतना बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है जो आ रहा है, खुला हुआ है। एनीवेज अगर आप कहेंगे तो मेरे पास भी पड़ा हुआ है, मैं वो आर्टिकल जो है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ मिनिमम वायबल के बारे में, जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज है। अच्छा जी, इंस्टेड ऑफ हैविंग लार्ज स्टेटमेंट्स ऑफ वर्क, वो जो लंबी चौड़ी कार्रवाइयां लिखी जाती हैं, कागजी कार्रवाई की जाती है और लंबी लंबी स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाई जाती हैं, लीगल टर्म्स बनाई जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में बैटलिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने में इसमें उसमें, वी कैन हैव स्मॉलर स्टेटमेंट ऑफ वर्क। पहला स्टेप ये है कि ओवर कॉम्प्लिकेट करने से बेहतर है कि बुनियादी स्टेटमेंट ऑफ वर्क पहले छोटी बनाई जाए और फिर काम को छोटे छोटे चंक्स में किया जाए, काम को कॉन्ट्रैक्ट ही के अंदर छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। बाय चंकिंग अप द वर्क वी रिड्यूस द इकोनॉमिक वैल्यू एट स्टेक। वो जो एक लंबी डील आपने बनाई है उसके बजाय आप छोटी छोटी डीलें बनाए, ओके, जब ये डिलीवर कर दोगे तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, जब ये डिलीवर कर दोगे तुम्हें इतने मिल जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट वाली बात शुरू हो जाएगी और उसको भी जो इकोनॉमिक स्ट्रीम मिलता रहेगा, तो पैसा एट रिस्क नहीं रहेगा, दोनों तरफ से रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। फिर डीएस्केलेट द इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्यूट्स ऑन फ्यूचर वर्क। अगर ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, तो डिस्प्यूट ज्यादा बड़े नहीं होंगे। छोटा मसला है, छोटा वाला काम है, छोटा चंक है काम का, तो उसमें छोटे छोटे मसले होंगे, उनको हम ऑन द स्पॉट रिड्यूस कर लेंगे। तो इसमें वो जो मसाइल के पाइल अप होने का और बाद में टेम्पर्स के फ्लेयर अप होने का मसला होता है वो निस्बतन घट जाता है। कैन यूज एजाइल कॉन्ट्रैक्ट मॉडल सच एज डीएसडीएम। ये यूके बेस्ड मॉडल है डीएसडीएम का और एजाइल के लिए इस्तेमाल होता है यूके गवर्नमेंट के अंदर। इस तरह के मॉडल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इसको ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर पाया क्योंकि पहले मैंने इसका किया है, इसके बारे में बात जो हमने बहुत मेथड पढ़े हैं उसमें डीएसडीएम का भी जिक्र आया था। मगर ये देखा जाए कि दिस मेथड इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर एजाइल कॉन्ट्रैक्ट्स विच स्पीक्स टू प्रोडक्ट्स बीइंग फिट फॉर बिजनेस पर्पस एज अपोज्ड टू मीटिंग एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिटेल स्पेसिफिकेशन। वो कहते हैं 100% सारी रिक्वायरमेंट पूरा होना जरूरी नहीं है। डीएसडीएम ये कहता है कि जो मिनिमम वायबल की रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी हो रही है, या जिसे मैंने परीटो लॉ बताया था कि अगर आपको ये लगता है कि 80-90% बेनिफिट आपको मिल गया है तो बाकी 10-15% के को हम डिले भी कर सकते हैं या फॉर दैट मैटर उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ये फैसला हम कस्टमर के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है जी। तो मतलब यहां पे इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मसला नहीं है, यहां पे मसला है वायबल प्रोडक्ट के डिलीवर होने का और ये दोनों पार्टीज को इसके ऊपर एग्री करना हो। अच्छा फिर आ जाता है कि जनाब हाउ डू वी नो दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द एजाइल प्रोजेक्ट इज इट गोइंग फाइन आर नॉट। तो हमें निचले लेवल पे तो लोग काम कर रहे हैं ना, टीम काम कर रही है ना, उसको तो पता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इवन यहां पर एजाइल के अंदर जो स्क्रम मास्टर है वो भी टीम को इंटरफियर नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता उसको डे टू डे जो कुछ हो रहा है उसका पता है क्योंकि वो उसको स्टैंडअप मीटिंग में बताते हैं, प्रोडक्ट ओनर को भी काफी हद तक पता है, लेकिन उसको जो पता है वो स्ट्रेटेजिक लेवल है, वो रिलीज लेवल की प्लानिंग देख रहा है, चीजें कैसे जा रही हैं क्या नहीं जा रही। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ओनर एंड अबव पीपल नीड्स टू एस्टेब्लिश सर्टन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिनको देख के वो अपना अंदाजा लगाएंगे कि हाउ वेल द प्रोजेक्ट इज गोइंग। ऑल्दो द टीम इज डूइंग इट्स ओन यू नो एनालिसिस, अपना काम वो खुद कर रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस को खुद मेजर कर रहे हैं और खुद करेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली प्रोजेक्ट जो स्पॉन्सर है या प्रोडक्ट ओनर है या कोई भी हायर अप है
वो ये जानना चाहता है कि हाउ वेल द प्रोजेक्ट इज गोइंग। तो एक तो बात मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हमने तो ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, हमने तो कहा हुआ है जो कुछ हो रहा है सबको नजर आ रहा है। और दरअसल नजर क्या आ रहा है, वो आ रहे हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो मैंने कहा था कि बोर्ड्स हमने लगाए हुए हैं, उसके अंदर बर्न डाउन चार्ट है, उसके अंदर और बहुत सी चीजें हैं, वहां पे आपको अर्न वैल्यू भी मिलेगा, वो भी एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, बर्न डाउन चार्ट भी एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। इस तरह से बहुत सी चीजें जो हैं वो हमारे टूल्स में पहले से ही शामिल। तो स्पॉन्सर्स ऑफ एजाइल प्रोजेक्ट्स वांट टू नो द सेम थिंग्स एज स्पॉन्सर्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट, उनको भी उसी तरह की चीजें चाहिए, लेकिन वो मिलेंगी कहां से, वो एजाइल केपीआई से मिलेंगी। दे वांट टू नो व्हेन द प्रोजेक्ट विल बी डन, तो वो बर्न डाउन को देख लेंगे, उसे पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट कितना आगे पीछे जा रहा है। हाउ मच इट विल कॉस्ट, अर्न वैल्यू को देख लेंगे, उसका पता चल जाएगा। और फिर आपको शुरू में मैंने पढ़ाया था कि एजाइल की एक इन्वर्टेड ट्राइंगल है, जैसे आम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट की तो सीधी ट्राइंगल है, एजाइल की इन्वर्टेड ट्राइंगल है। वी सेड दैट एजाइल प्रोजेक्ट कैन फिक्स टाइम एंड कॉस्ट इफ द स्कोप कैन वेरी, अगर उसको अलाउ कर दिया जाए कि स्कोप को हम बदल सकते हैं तो वो टाइम और कॉस्ट को रीप्लान कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट्स कभी भी तब्दील हो जाए तो टाइम और कॉस्ट उसके हिसाब से एडजस्ट किए जा सकते हैं। हाउएवर यूजुअली द स्पॉन्सर विल स्टिल बी आस्किंग गिवन द करंटली एग्रीड अपॉन स्कोप, या अभी तक जो एग्रीड हुआ है उसके मुताबिक, व्हेन यू विल बी डन एंड हाउ मच विल इट कॉस्ट, ये दो सवाल बड़े कॉमन है। तो मतलब एट एनी पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन, और फॉर दैट मैटर जो आपके बोर्ड्स हैं या जो केपीआईज हैं उनको वोकली ये बोलना चाहिए इन दो सवालों के जवाब, ताकि सेटिस्फाई हो सके आपका कस्टमर, आपका स्पॉन्सर, आपका प्रोडक्ट ओनर। तो केपीआईज ये चीज है। अब चार मेजर केपीआईज हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये देखा जाता है आपका रेट ऑफ प्रोग्रेस क्या है, मतलब आपने कितना काम किया, और काम करने के हवाले से मैंने ये बताया था कि जो आपकी यूजर स्टोरीज स्प्रिंट में जाती हैं उन सब के साथ एक नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट्स एसोसिएट किए जाते हैं, और वो नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट्स जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट वर्क, रिसोर्सेज कितने लगे, काम कितना सख्त है, मुश्किल है वगैरह वगैरह, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसके हिसाब से। हो सकता है एक दिन का काम हो लेकिन उसका जो स्टोरी पॉइंट्स हो, टफनेस है उसकी, उस काम की, वो 25 हो, वेर एज एक 5 दिन का काम है जिसके टोटल 2 स्टोरी पॉइंट हो, उसमें एक ही बंदा लगा हुआ है। तो खैर स्टोरी पॉइंट्स जो है ना वो बुनियादी तौर पे डिस्क्राइब करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि आपकी एक काम की, एक यूजर स्टोरी को पूरा करने के लिए कितना कितनी मेहनत लगेगी। अब वो जो मेहनत है वो आप देखें कि मेरे पास एक स्प्रिंट के अंदर आई वॉज सपोज टू मे बी डू 150 स्टोरी पॉइंट्स, एम आई अकम्पलिशिंग दैट आर नॉट, तो रेट ऑफ प्रोग्रेस आपका पता चलता है हर स्प्रिंट के बाद, और उसी से आपकी टीम वेलोसिटी डिटरमिन होती है। और इससे ये भी अंदाजा होता है कि अगर आप अपने अर्न वैल्यू के हिसाब से देखें तो व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क, कितना कर लिया, कितना रह गया, ये भी आप बता सकते हैं, एंड बल्कि बता क्या सकते हैं, वो बोर्ड पे नजर आ रहा होता है, हर वक्त नजर आ रहा होता है क्योंकि वो अपडेट रखते हैं आप। लाइकली कंप्लीशन डेट क्या होगी, अब इस रिमेनिंग वर्क को मद्देनजर रखते हुए, जैसे मैंने अर्न वैल्यू में पढ़ाया था, अब आपका प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होने का इम्कान है ओवरऑल, एंड दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, मगर वो ये कह रहा है कि अगर ये जो स्प्रिंट चल रहा है इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो होती जा रही है तो इसके नतीजे में प्रोजेक्ट में कितना टाइम ऐड होने का इम्कान है और प्रोजेक्ट कब खत्म होने का इम्कान है। अब इससे प्रॉब्लम कोई नहीं है हमें, हम अपना स्प्रिंट कंप्लीट करेंगे जैसे करते हैं और फिर अगला स्प्रिंट और इस तरह वो चीजें रिवाइज होती रहेंगी, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि आज के हिसाब से, आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमारी कंप्लीशन डेट क्या हो सकती है और लाइकली कॉस्ट रिमेनिंग, और अब तक के हिसाब से हमारे पास पैसा कितना बचा, ये दिस मोमेंट, आज के इस मोमेंट के ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू नहीं, जैसे मैंने कहा था, एट दैट पॉइंट इन टाइम आप ये सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, और ये जवाब वक्त के साथ साथ बदलते भी रहेंगे।
लेकिन जो स्पॉन्सर है या कस्टमर है उसको तसल्ली होनी चाहिए कि मैं किसी भी वक्त उठ के खड़ा हो जाऊंगा और इन चार सवालों के जवाब मांग लूंगा तो मुझे फौरन मिल जाएंगे। ये है जी KPIs। जहां तक रेट ऑफ प्रोग्रेस का ताल्लुक है, ये वही मेरा ख्याल है, इस पूरी स्लाइड को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दी कि एक स्टोरी पॉइंट को, एक स्टोरी को आपने पॉइंट दिए हैं 8, एक को दिए 20, तो ये डिपेंड करता है कि आप उस टाइम के अंदर कितनी स्टोरीज कंप्लीट कर पाते हैं, जितने भी स्टोरी पॉइंट हैं वो जमा हो जाएंगे और पता चलेगा कि इतना काम हमने अब तक अकम्प्लिश किया, हमें इतना काम अकम्प्लिश करना चाहिए था। जैसे अर्न वैल्यू में मैंने ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एग्जाम्पल दी कि जी इस वक्त तक इतना काम हो जाना चाहिए था, तो वहां पैसों में बात करते थे, यहां हम पैसों में बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम कह रहे हैं यहां तक इतने स्टोरी पॉइंट्स हो चुके होने चाहिए थे, इतने स्टोरी पॉइंट्स हो गए, ठीक है जी, और उसके डिफरेंस से निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें, मुझे कोई इतराज नहीं है, अगर आप इसको पैसों में कन्वर्ट करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है जी। तो कहने का मकसद है कि आपको अंदाजा होता है कि एक स्टोरी पॉइंट कितने का कॉस्ट करता है हमें, हम उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। सो दिस इज हाउ द गेम विल फ्लो, बट इट इज वेरी मच एप्लीकेबल। ये जो अर्न वैल्यू था इज वेरी मच एप्लीकेबल। रिमेनिंग वर्क के बारे में भी मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा डाउट नहीं है। वी वर सपोज टू हैव कंप्लीटेड 500 पॉइंट्स टिल नाउ, वी डिड 400, तो हम कितना पीछे हैं, 100, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया अभी, 100। तो कहने का मकसद है कि आप उस हिसाब से मगर देख सकते हैं कि हमारा टोटल काम कितना था, कितना हो गया, जो हो गया वो तो अर्न वैल्यू है ना, जो बाकी बचा है वो मेरा रिमेनिंग वर्क है, ठीक है जी। फिर लाइकली कंप्लीशन डेट, उससे मैं प्रोजेक्ट करके एस्टिमेट कर सकता हूं कि अगर अभी तक मैंने इतना काम किया है तो स्प्रिंट के एंड तक मैं कितना कर पाऊंगा, या प्रोजेक्ट के एंड तक की एंड डेट क्या होने का इम्कान है। और इसी तरह कॉस्ट रिमेनिंग, कि अब हमारे पास कितना पैसा खर्च हो गया और कितना पैसा बाकी बचा है, मतलब जो बजटेड वैल्यू थी, अब वो जो बजटेड वैल्यू वो चेंज हो जाएगी आगे जाकर, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें ये अंदाजा है कि हम ओवर एक्सपेंड कर रहे हैं या अंडर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये चार आपके सवाल थे जिनका आपको जवाब मिल गया। साथ ही एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एजाइल के अंदर, कि एजाइल में लाजमी बात है कि रिस्क तो है, लेकिन आप एक बात नोट कीजिए कि हमने किसी हद तक रिस्क को इस तरह से मैनेज कर लिया है कि हमने छोटे बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोजेक्ट को। जब प्रोजेक्ट को छोटे बिट्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया था, जब हम उनको स्प्रिंट में नहीं कंसिडर कर रहे थे, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का तो बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क था, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। बट बिकॉज नाउ वी आर फोकस्ड ओनली ऑन वन स्प्रिंट, देयरफॉर हम इस एक स्प्रिंट के अंदर रहते हुए सिर्फ इस स्प्रिंट के रिस्कों को देख रहे हैं, जो कि निस्बतन छोटे लेवल के हैं और इनको हैंडल करना भी आसान है। एक तो ये बात के ओवरऑल रिस्क के, ओवरऑल प्रोजेक्ट के रिस्कों को देखने से एक स्प्रिंट के रिस्कों को देखना और उनको मॉनिटर करना और उनको एड्रेस करना निस्बतन बहुत ज्यादा आसान। टू मैक्सिमाइज वैल्यू, एजाइल टीम्स नीड टू कंसिडर रिस्क एंड टेक्निकल डिपेंडेंसी। जो भी कोई रिस्क उसके एक स्प्रिंट में आ रहे हैं, उनकी टेक्निकल डिपेंडेंसीज को देखना होगा, रिस्कों को आइडेंटिफाई करना होगा। चॉइस दैट कुड लीड टू फ्यूचर प्रॉब्लम्स आर रिवर्क, मतलब जहां गड़बड़ होने का चांस है उसको पहले से सोच के रखें, और ये समझ लीजिए कि जहां पर काम खराब हुआ वो लीन को याद रखिएगा। लीन कहता है नो वेस्ट, मतलब वो कहते हैं जी लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस ताकि वेस्ट ना हो सके, मतलब वो कहते हैं कि कोई रीवर्क ना करना पड़े। तो हम तो आम जिंदगी में कहते हैं कि अच्छा चीज खराब होगी ठीक कर लो, रीवर्क कर लो, लेकिन अब जब हम लीन पे आते हैं तो वो यहां पर लीन में ऐसे मेजर्स सिलेक्ट करता है कि आपका मैकेनिज्म इतना स्मूथ हो जाए कि उसके अंदर रीवर्क की गुंजाइश ही ना बचे। तो रीवर्क जो है प्रॉब्लम और रीवर्क को ये एड्रेस करता है, क्योंकि अगर रीवर्क होगा तो वो हमें कस्टमर को सेटिस्फेक्शन या उसको वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाएगा, इवन इट इफ गिव्स द इल्यूजन ऑफ अर्ली प्रोग्रेस। दिखने में लगता हो कि यार ये तो काम डिलीवर हो गया,
लेकिन क्योंकि उसमें रीवर्क करना है तो वापस मुड़ना पड़ेगा। देयरफॉर हम रीवर्क को ही खत्म कर देना चाहते हैं। देयरफॉर वी नीड टू कंसिडर रिस्क एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड लेट द कस्टमर नो हाउ दोज एलिमेंट्स विल इंपैक्ट द प्रोजेक्ट। बजाय इसके कि मैं कस्टमर को कोई चीज बनाकर डिलीवर कर दूं और बाद में कहूं सॉरी सर गलत हो गया, मैं पहले ही कस्टमर को बताया था इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और अगर ये हुआ तो ये कुछ होने का इम्कान है और इसको हम ऐसे ऐसे एड्रेस करेंगे। मतलब मैंने अपना पूरा रिस्क एनालिसिस कस्टमर के साथ डिस्कस कर लिया, कस्टमर के ये नॉलेज में है और वो गलती मैं बिला वजह की बहादुरी नहीं दिखाऊंगा और जाके रिस्क से टकराऊंगा नहीं, बल्कि मैं जिसे कहते हैं कि दूर अंदेशी का सबूत देते हुए मोहतात जिसे कहते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क सिर्फ लूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क इज क्लोजली रिलेटेड टू वैल्यू। इफ वैल्यू इज द पॉजिटिव प्रोजेक्ट रिस्क, अब यहां पे ये बात भी आपको समझ जानी चाहिए कि रिस्क दो किस्म के होते हैं, एक अच्छा रिस्क एक बुरा रिस्क। अच्छा रिस्क खुशकिस्मती को कहते हैं क्योंकि उसका भी यकीन नहीं होता, और बुरा रिस्क बदकिस्मती को कहते हैं। जो खुशकिस्मती के चांसेस हैं उनको हम अपॉर्चुनिटीज कह रहे हैं। अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज का पता है तो मैं उन्हें एक्सप्लॉइट करूंगा ना, ताकि ज्यादा फायदा मेरी तरफ आए। और अगर कोई बुराई है, कोई थ्रेट है, कोई बदकिस्मती है, अगर उसका मुझे अंदाजा है तो मैं उससे वार्ड ऑफ करूंगा, उससे बचने की कोशिश करूंगा। तो बड़ी थोरो किस्म की रिस्क मैनेजमेंट भी चाहिए जिसमें पॉजिटिव को मजीद पॉजिटिव बनाना है और नेगेटिव को मजीद नेगेटिव को रिमूव करना है या इरेडिकेट करना है। टू मैक्सिमाइज वैल्यू एंड अपॉर्चुनिटीज वी मस्ट ऑल्सो मिनिमाइज नेगेटिव रिस्क। दोनों तरफ गेम करना पड़ेगा कि नेगेटिव रिस्क को कम और अपॉर्चुनिटीज और वैल्यू को ज्यादा करना पड़ेगा, सिंस थ्रेट्स कैन रिड्यूस वैल्यू। अब ये देखिए थ्रेट क्या, नेगेटिव रिस्क है ना, वो आपकी पॉजिटिव चीज को ऊपर बुरा असर डालेगा। कस्टमर को जो वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हैं अगर उसके अंदर थ्रेट ज्यादा होंगे तो कस्टमर खुश नहीं होगा। तो वैल्यूज को मैक्सिमाइज करें, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएं और नेगेटिव को खत्म करें। और लाजमी बात है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिर्फ आप एक आइट्रेशन या स्प्रिंट के रिस्कों को देख रहे हैं, इसलिए ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। एट एनी टाइम यू आर जस्ट लुकिंग एट दोज रिस्क। दिस इज वाई द वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी डोमेन ऑल्सो एनकंपसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क रिडक्शन। मतलब जब हम लीन पे काम कर रहे हैं, जब हम वैल्यू डिलीवरी वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली रिस्क रिडक्शन इज बिल्ट इनटू द सिस्टम ड्यू टू लीन। लीन होने की वजह से रिस्क रिडक्शन इज बिल्ट इनटू द सिस्टम। तो इस कितना जबरदस्त फायदा है अगर आप लीन एजाइल के ऊपर काम कर रहे हैं कि जनाब आपका रिस्क जो है एक तो छोटा हो गया और दूसरा वो ऑटोमेटिकली एड्रेस भी हो रहा है वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी के थ्रू। थिंक ऑफ वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी एज क्रिएटिंग क्रेडिट्स आर डिपॉजिट्स दैट आर पेड इनटू योर बैंक अकाउंट। मतलब आप यूं समझे कि आप कोई कमाई कर करके बैंक में डाल रहे हैं, आपका क्रेडिट बढ़ रहा है। एग्जैक्टली आप जब कस्टमर को वैल्यू थोड़ी थोड़ी करके देते जाते हैं, देते रहते हैं, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस आप पे ज्यादा बिल्ड होता है। ठीक है जी, उसको आदत हो जाती है कि यार ये तो अच्छा आदमी है, ये तो हमेशा डिलीवर करता है। रिस्क आर एट लीस्ट द थ्रेट्स दैट एक्चुअली अकर एंड बिकम इश्यूज ऑन योर प्रोजेक्ट आर लाइक विथड्रॉल्स आर चार्जेस। जब भी कोई रिस्क अकर होगा आपके कस्टमर के दिल पे एक काला धब्बा पड़ जाएगा कि नहीं यार ये बड़ा एक काम तो अच्छा कर रहा था लेकिन ये क्या किया है, नुकसान पहुंचा दिया, वैल्यू घटा दी। तो मतलब यूं समझिए ये काले धब्बे हैं, इन काले धब्बों को कम करना है। ये ऐसे ही है कि आपके अकाउंट में जो पैसे जमा थे उसमें से कुछ कटौती होगी, फाइन हो गया। टू क्रिएट द मोस्ट वैल्यू वी नीड टू मैक्सिमाइज द इनफ्लो। जो चीजें आ रहा है पैसा, पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, उनको बढ़ाओ, और जो चीजें काले धब्बे हैं, जो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, जो आपका अकाउंट को मिनिमाइज कर रहे हैं, उन चीजों को घटाओ, उनका आउटफ्लो होना चाहिए तो वैल्यू बढ़ेगी। लिंक बिटवीन रिस्क एंड वैल्यू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ऑन एजाइल प्रोजेक्ट। मेरा ख्याल है कि एम्पली क्लियर हो गया कि रिस्क और वैल्यू के दरमियान क्या रिश्ता है। व्हेन अ रिस्क इवेंट अकर्स इट टेक्स टाइम एंड रिसोर्सेज अवे फ्रॉम एफर्ट्स दैट डिलीवर वैल्यू।
जब रिस्क के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं एक रिस्क को एरेडिकेट करने के लिए, तो आप ये समझिए कि वो वक्त और वो पैसा और वो रिसोर्सेज आप की वैल्यू जनरेटिंग एक्टिविटी पे लगाते तो शायद वो ज्यादा बेहतर था। इसका मतलब ये है कि जो बड़े ज्यादा बड़े रिस्क हैं आप उनसे क्लीन स्वीप कर जाएं, बड़े रिस्कों से रास्ता ही बदल लें। आप कहें जी इस रास्ते से हमने जाने ही नहीं है, ठीक है जी, और जहां ज्यादा वैल्यू है उस तरफ रास्ता अपना अख्तियार करें। मतलब रिस्क कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर खासतौर पर जो बड़े रिस्क हैं कोशिश करें इनके साथ टकरें मारने की बजाय इससे दाईं तरफ से बाईं तरफ से निकल जाएं, और फोकस रखें अपनी वैल्यू डिलीवरी के ऊपर। देयरफॉर एजाइल टीम्स नॉट ओनली प्लान टू डिलीवर हाई वैल्यू फीचर्स अर्ली, दे ऑल्सो प्लान टू इम्प्लीमेंट रिस्क अवॉइडेंस। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, और अगर अवॉइड ना हो सके तो रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश। ये दो रास्ते हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी और फाल हैं एजाइल के पॉइंट ऑफ व्यू। रिस्क मैनेजमेंट में सीम लाइक अ ट्रेडिशनल प्रोसेस ड्रिवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एफर्ट दैट वुड नॉट वर्क वेल इन एन एजाइल एनवायरमेंट। लोगों का ये ख्याल है कि रिस्क मैनेजमेंट तो जनाब बड़ी कोई जबरदस्त प्रोसेस ड्रिवन और वेल एस्टैब्लिश्ड किस्म का मैकेनिज्म है, ये एजाइल पे कैसे चलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एजाइल में ये ज्यादा खूबसूरती के साथ चलेगा। सिर्फ हमें थोड़ी सी अपने मेंटल ट्यूनिंग करने की जरूरत है, जो हमने कहा था ना कि एजाइल माइंडसेट चाहिए। जब तक आप अपने दिमाग का मीटर पूरा 180 डिग्री घुमा नहीं लेते आपको ये बातें समझ आना शुरू नहीं होती। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा तब ये बातें समझ आती हैं कि हम पूरे प्रोजेक्ट, मतलब चक्कर क्या है, हम ट्रेडिशनली पूरे प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखने के आदी हो चुके हैं। यहां आपको ये कह रहे हैं भूल जाओ पूरे प्रोजेक्ट को, एक स्प्रिंट के बारे में सोचो। पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचने का काम प्रोडक्ट ओनर का है, रिलीज प्लानिंग करनी उसका काम है, उसमें हम उसकी मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम में सिर्फ एक स्प्रिंट एट अ टाइम है। तो मेरा ख्याल है जब तक हम जब इस बात को समझ जाते हैं और मान लेते हैं तो खुद ब खुद चीजें हमारे लिए आसान हो जाती। अच्छा जी, तो एजाइल प्रैक्टिसेस जो हैं दे आर एक्चुअली वेरी वेल सुटेड फॉर रैपिडली आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क। साथ साथ रिस्कों को आइडेंटिफाई करते जाएं, साथ साथ उनसे जान छुड़ाते जाएं, मतलब क्विक, वेरी क्विक, बिला वजह टाइम ही ना जाया करें। मतलब आप यूं समझें कि एक हम सुनते होते थे कि अगर बिल गेट्स से पता नहीं कि $100 का नोट गिर जाए तो उसको उठाने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि अगर वो झुक के उस नोट को उठाता है तो उसका पता नहीं कितने मिलियन का नुकसान हो जाता है। तो वो कहता है कि 100 का नोट गिर भी गया तो गिर जाए। एग्जैक्टली एजाइल में हम यही करते हैं, हम कहते हैं अच्छा छोटा मोटा नुकसान हो रहा है हो जाए, लेकिन हमने वैल्यू के ऊपर ज्यादा फोर्स करना है। अगर ज्यादा पड़ा है तो हम उसे मिटिगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब एजाइल प्रैक्टिसेस जो हैं दे आर वेरी वेल सुटेड, क्योंकि हमने रिस्क को तोड़ के छोटा छोटा कर दिया, वो बड़े बड़े रिस्क यहां पे हमें अप्लाई नहीं करते। अच्छा जी, फॉर एजाइल पर्पसेस आर रिस्क इज अ पोटेंशियल इवेंट आर सर्कमस्टांस दैट कुड हैव अ नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, और पीएमबीओ के भी गुड और बैड रिस्क की बात करती है। और जो पीएमबीओके का मैकेनिज्म है वो ये है कि पहले रिस्कों को प्लान किया जाता है कि इनको एड्रेस कैसे किया जाएगा, जनरली विदाउट नोइंग व्हाट द रिस्क आर, कि हमारी स्ट्रेटजीज क्या क्या है, फिर आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, फिर उनको क्वालिटेटिवली एनालाइज करते हैं, क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं, फिर उनकी रिस्पॉन्सेज बनाते हैं, फिर रिस्कों को इम्प्लीमेंट करते हैं, और आखिर में उन्हें मॉनिटर किया जाता है। अब आप ये समझिए कि अपनी एक स्प्रिंट के अंदर ये सब कुछ रिस्कों के हवाले से ये टीम खुद ही कर रही है, राइट? मगर इतना टाइम नहीं है कि इतनी लंबी चौड़ी कोई साइंस लड़ाई जाए, यहां पे तो एस्टिमेशंस और गेस्टिमेशंस के ऊपर काम होता है। अच्छा ये रिस्क तकरीबन कितना बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, दफा करो, मतलब ज्यादा क्वालिटेटिव क्वांटिटी में भी ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। जितने मतलब आपको कोई अपेरेंटली बड़ी चीज नजर आती है उसको उठाएं और उसका एड्रेस करें। छोटी मोटी चीजें जो है वो आपके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि आप ज्यादा वैल्यू, ज्यादा बड़ी वैल्यू के ऊपर
रिसोर्सेज लगा रहे हैं। अगर मैं एक घटिया किस्म के रिस्क के ऊपर चार बंदे लगा दूंगा और वो रिस्क खींच के पूरी स्प्रिंट में चलता रहेगा, तो उसके बजाय वो चार बंदे जो वैल्यू डिलीवर कर रहे थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और जो नुकसान ये रिस्क कर रहा है वो शायद ना होने के बराबर है, या शायद उसको अवॉइड किया जा सकता है। बात है अवॉइड कर लें तो उससे तो बेहतर बात ही कोई नहीं हो सकती। सो विद एन एजाइल अप्रोच देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज टू एक्टिवली अटैक द रिस्क ऑन अ प्रोजेक्ट बिफोर दे कैन बिकम टुमारोज़ प्रॉब्लम। तो मतलब बिल्कुल ही नेसेंट, जब छोटा रिस्क होता है, जब उसके इशारे नजर आ रहे होते हैं, उसी वक्त पकड़ के उसके गर्दन मरोड़ दी जाए। आइटरेटिव डेवलपमेंट अलाउज हाई रिस्क वर्क टू बी टैकल्ड अर्ली। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कहते हैं जी कि जिन चीजों में ज्यादा बड़े रिस्क हैं उनको शुरू की अल्ट्रेशंस में कोशिश करें कि एड्रेस कर लिया जाए, क्योंकि जब एक रिस्क पलना शुरू हो जाता है ओवर द टाइम वो ज्यादा खतरनाक होता चला जाता है। इसलिए अगर ऐसे आइटम हैं जो हाई वैल्यू भी हैं और हाई रिस्क भी हैं, तो मुझे उनको पहले एड्रेस करना चाहिए, ताकि पहले तो इस रिस्क का तिया पहुंचाओ और मेरी आइंदा की जिंदगी आसान गुजरे और मैं हाई वैल्यू डिलीवर कर सकूं। फीचर्स ऑफ स्टोरीज दैट कैरी हाई लेवल्स ऑफ रिस्क कैन बी टैकल्ड इन अर्ली आइटरेशंस टू प्रूव द टेक्निकल अप्रोच एंड रिमूव डाउट्स। मतलब ज्यादा चैलेंजिंग रिस्क को हमने शुरू में एड्रेस किया और कस्टमर को दिखा दिया कि हम इतना मुश्किल रिस्क भी इतनी आसानी से खा पी गए हैं, तो आगे वाले रिस्क तो है ही नहीं, वो तो इसके बच्चे भी नहीं है। तो ये जनाब बड़ा जबरदस्त स्ट्रेटजी है, ये एक टेक्निकल एडवांटेज है हमारे पास कि हम एक तो कस्टमर को एक बड़ी सेटिस्फेक्शन देते हैं, वैल्यू देते हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि रिस्क जितनी देर पाला जाएगा उतना ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। जितना बड़ा रिस्क है उसको उतनी जल्दी एड्रेस कर लिया जाए और किसी रिस्क को ज्यादा देर पाला ना जाए। आइटरेटिव नेचर जो है एजाइल प्रोजेक्ट्स की, वो हमें हेल्प करती है इन मेकिंग श्योर वी आर ड्राइविंग द एक्शन नीडेड टू प्रिवेंट रिस्क। मतलब आइटरेशन नेचर से क्या मतलब है, स्प्रिंट के बाद स्प्रिंट के बाद स्प्रिंट के बाद स्प्रिंट, एक के बाद एक स्प्रिंट आ रहा है और हर स्प्रिंट में हम उसी तरह से चीजें कर रहे हैं। तो एक स्प्रिंट से सीख के हम कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव भी तो करते हैं, हम अपनी वेलोसिटी भी तो बढ़ाते हैं, हम कुछ रिस्क से सीखते भी तो हैं और अगले स्प्रिंट में उसको फिर अप्लाई करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। तो छोटे छोटे स्प्रिंट्स के अंदर हम रिस्कों को कॉन्टिन्यूसली एड्रेस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और रिजोल्व किए जा रहे हैं। मतलब एक एक वो जो है चींटी की चाल से आप चले जा रहे हैं और रुक नहीं रहे। वी एम टू टैकल हायर रिस्क एरियाज ऑफ द प्रोजेक्ट सूनर देन लेटर। दिस अप्रोच गेट्स प्रॉब्लम्स आउट इन द ओपन व्हाइल देयर इज स्टिल रूम इन द स्केड्यूल एंड बजट टू वर्क ऑन देम। अभी तो प्रोजेक्ट के शुरू में ही हमने बड़े बड़े मसाइल अगर हल कर लिए तो इसका मतलब है कि हमारे पास ज्यादा प्ले अवेलेबल होगा स्केड्यूल और कॉस्ट में एडजस्टमेंट का। अब हम ज्यादा कंफर्टेबली रूम अराउंड कर सकते हैं, अब मुमकिन इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि प्रोजेक्ट शायद हम स्केड्यूल जो हमारा ओवरऑल स्केड्यूल था उससे भी पहले कंप्लीट कर लें या उससे कम पैसों में करें, या फॉर दैट मैटर अगर नहीं भी करें तो हमारे पास गुंजाइश ज्यादा पैदा हो जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एफर्ट इन्वेस्टेड इन वर्क दैट मे एंड अप बीइंग स्क्रैप। वो जो स्क्रैप से भी बचा लिया, क्योंकि स्क्रैप तो जो स्क्रैप है वो तो रीवर्क है और रीवर्क तो लीन के असूल के खिलाफ है। तो अगर मैंने रिस्क को पहले और ऐसन तरीके से एड्रेस कर लिया तो गलती हो ही नहीं पाएगी। जब गलती नहीं होगी तो स्क्रैप नहीं होगा, रीवर्क नहीं होगा, तो लीन वाला सिलसिला यहाँ पे बिल्कुल 100% लागू है। प्राइमरी टूल दैट एजाइल टीम्स यूज टू मैनेज रिस्क आर द रिस्क एडजस्टेड बैकलॉग। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, व्हाट इज अ रिस्क एडजस्टेड बैकलॉग। रिस्क एडजस्टेड बैकलॉग का मतलब है, आपको याद होगा जब बैकलॉग प्रोडक्ट बैकलॉग बना था, प्रोडक्ट बैकलॉग हमने बनाया था, प्रोडक्ट बैकलॉग को हमने रिफाइन किया था, याद होगा जब टीम बैठी थी और उन्होंने वो जो एपिक्स और यूजर स्टोरीज थी उनकी छांटी की थी और उनको एक साइज यूजर स्टोरी के साइज पे कन्वर्ट किया था। इसको कहते हैं रिफाइनमेंट, और दिस रिफाइनमेंट विल कीप अकरिंग व्हेनेवर न्यू रिक्वायरमेंट्स कम इन।
ठीक है जी, हर स्प्रिंट के बाद जाके हम उसको रिप्रायोरिटाइज रिफाइन करेंगे, रिप्रायोरिटाइज करेंगे। अच्छा, रिफाइन करने के बाद दूसरा काम हमने किया था कि जब वो रिफाइन हो गया तो फिर हमने उसकी वैल्यू प्रायोरिटाइजेशन की। ठीक है जी, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा, सबसे हाई वैल्यू आइटम कौन सा। उसके बाद जब ये भी हो गया तो उसके अंदर फिर हमने देखा सबसे हाई रिस्क आइटम्स कौन से, क्या वो ऊपर लाए जा सकते हैं। मतलब इसके ऊपर डिबेट है, जो एक लो वैल्यू हाई रिस्क आइटम को ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाई वैल्यू हाई रिस्क आइटम है तो अगर वो थोड़ा नीचे भी है तो उसे ऊपर ले आया जाए ताकि ये पहले से जान छूटे। इस तरह जब ये काम हम कर लेते हैं तो इसको कहते हैं रिस्क अपना रिस्क एडजस्टेड प्रोडक्ट बैकलॉग। मतलब क्या क्या मैंने बताया आपको, पहले प्रोडक्ट बैकलॉग मैंने जिसमें रैंडमली यूजर स्टोरीज और एपिक्स डाल दी गई, उसके बाद उसको रिफाइंड प्रोडक्ट बैकलॉग में कन्वर्ट किया टीम ने जब उनको यूजर स्टोरीज एक साइज की बना दी, फिर उनको प्रायोरिटाइज जब कर लिया तो वो हो गया प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग। और उसके बाद का स्टेप आता है कि हमने रिस्क के हिसाब से उसकी फर्दर प्रायोरिटाइजेशन की और उसको कहते हैं रिस्क प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग। ये और इसी तरीके के साथ विद इन दिस स्प्रिंट ऑल्सो यू कुड हैव योर ओन प्रायोरिटाइजेशन। तो ये जनाब हो गया, तो इंटीग्रेट एंड प्रायोरिटाइज आर प्रोजेक्ट रिस्क रिस्पॉन्स एक्शन इनटू आवर बैकलॉग ऑफ डेवलपमेंट वर्क। तो इन चीजों के जरिए रिस्क बर्न डाउन चार्ट, रिस्क बर्न डाउन चार्ट क्या होगा, जैसे एडजस्टेड बैकलॉग बताया मैंने आपको, रिस्क बर्न डाउन क्या है, बर्न डाउन को याद है जी किसी को, बर्न डाउन चार्ट क्या है और कैसा दिखता है, अहमद खुर्रम साहब जी? जो जो आप करते जाते हैं वो उसमें निकलता जाता है कितना बाकी चीज रह गई, इस तरह की वो आप एक इंडिकेटर आपको देता है। मतलब ये उल्टा ग्राफ होता है, जैसे आम ट्रेडिशनल तो प्रोजेक्ट जो हम चलाते हैं तो उसमें ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा होता है उन्हें इतना कर लिया, अब इतना हो गया, अब इतना यहां तक हो गया, तो वो प्रोग्रेस शो कर रहा होता है, जबकि बर्न डाउन जो है वो शो करता है कि टोटल काम कितना करना था। ऊपर से लाइन शुरू होती है टोटल काम से, और जितना जितना होता जाता है उतना नीचे आती जाती है लाइन। इसका मतलब है कि ये एक फीता है जो जल रहा है, यहां तक जल चुका है, इसका मतलब यहां तक हम काम कर चुके हैं और बकाया काम हमें हर वक्त नजर आ रहा है। तो इसी तरीके के साथ अगर जिस तरह हम बैकलॉग वैसे बनाते हैं, बर्न डाउन चार्ट बनाते हैं प्रोजेक्ट का, हम रिस्क का भी बना सकते हैं। टोटल रिस्क प्रोजेक्ट में जो बड़े जो हमने प्रायोरिटाइज किए थे, से के 25 रिस्क थे और उनकी भी वैल्यू लगी होगी जी, ये इतनी वैल्यू का है, ये इतनी वैल्यू का, ये इतनी वैल्यू का है, और उनको हमने प्रायोरिटाइज करके, रिस्कों को प्रायोरिटाइज करके उनकी जो टोटल वैल्यू बनती है उसका एक बर्न डाउन बनाया हुआ है। तो ये भी उल्टा ग्राफ है, टोटल रिस्क फर्ज करें 2500 है तो 2500 से ये लाइन शुरू होती है और जो जो रिस्क भुगतते जाते हैं उनकी वैल्यू उसमें से माइनस होती जाती है। तो हर वक्त हमें पता चलता रहता है कि इस वक्त बकाया रिस्क कितना रह गया है प्रोजेक्ट के ऊपर। एक तो था कि बकाया काम कितना रह गया है, एक है कि बकाया रिस्क कितना रह गया। सो दिस इज कॉल्ड रिस्क बर्न डाउन चार्ट। तो ये जनाब हो गया इसके हवाले से। आगे आ जाती थी रेगुलेटरी कंप्लायंस। मैनी एजाइल प्रोजेक्ट्स ऑपरेट इन अ हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट एंड हैव टू डील विद रेगुलेटरी कंप्लायंस इश्यूज। मतलब ऊपर से जो निजाम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या आपकी गवर्नमेंट का या आपकी इंडस्ट्री का, वो आपको रेगुलेट करता है, तो वो रेगुलेशन तो फॉलो करनी है। मिसाल के तौर सेफ्टी रेगुलेशन है या कोई और रेगुलेशन है, आर टिपिकली डिजाइन टू इंश्योर सेफ्टी व्हाइल द मैंडेटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड क्वालिटी प्रोसीजर्स मे सीम बर्डनसम टू द प्रोजेक्ट टीम, दे सर्व एन इम्पॉर्टेंट पर्पज। अब बात यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिनका ख्याल ये है कि एजाइल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, ये बहुत हमाकत है। हाँ, हम डॉक्यूमेंटेशन को रिड्यूस जरूर करते हैं, बल्कि हम मोड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को भी, कोशिश यही होती है कि ज्यादातर चेंज कर दें, उसको कागजों से उतार के बोर्डों पे ले जाएं या जुबानी उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन खत्म नहीं हो सकती। ये एग्जांपल है कि जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। आप उस डॉक्यूमेंटेशन को चार्ट्स की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं या ऐसे मैकेनिज्म, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप ये चीज ऑब्जर्व करके
कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में इस किस्म के टूल्स मौजूद हैं, कि वो लंबी चौड़ी किताबें देखने के बजाय वो चार्ट्स लगे होते हैं कि जी इन केस ऑफ इमरजेंसी ये इधर से आपने निकलना है, इन फलाना अगर ये हो जाए तो ये डायग्राम है, उससे चीजें समझना आसान हो जाता है। सो ये बर्डनसम नहीं है, इस डॉक्यूमेंटेशन ही को रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन नेचुरली उसको हम थोड़ा टेलर कर सकते हैं। मैनी प्रोजेक्ट्स डू हैव सम रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, यूजुअली दीज रिक्वायरमेंट्स आर नॉन निगोशिएबल। अगर नॉन निगोशिएबल है तो करनी पड़ेगी ना। चूजिंग टू इग्नोर स्किप और स्किम्प ऑन कंप्लायंस इजंट एन ऑप्शन, इट वुड सिंपली प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बीइंग पेड एंड द प्रोडक्ट बीइंग एक्सेप्टेड एंड यूज्ड। गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन है, आप पूरा नहीं करते, गवर्नमेंट तो आपको वो काम अप्रूव ही नहीं करने देगी, आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। टिपिकली प्रोजेक्ट्स आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिक्वायर स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव दैट द रिक्वायर्ड प्रैक्टिसेस वर फॉलोड, एंड इफ दैट बी द केस देन मेक दीज रिक्वायरमेंट्स अ पार्ट ऑफ योर यू नो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी ये भी यूजर स्टोरी होनी चाहिए कि जनाब ये डॉक्यूमेंट बनाना है, ये भी एक यूजर स्टोरी होनी चाहिए, दिस शुड बी पार्ट ऑफ इट, यू कांट अवॉइड दैट। अच्छा, मैं क्यों ये रेगुलेटरी कंप्लायंस वगैरह की तरफ जा रहा हूं, आपको याद होगा मैंने पहले जिक्र किया था एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का, याद है आपको? कोई बताएगा मुझे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या था? पुनुमल आप बताएंगे मुझे, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया? हेलो सर, सलाम जी, बताइए। हेलो जी, जी सर, याद जी जी आ रही है, याद नहीं है सर। अच्छा, मैं अपना सिंपल सी बात है, बात ये जी कि जिस वक्त आप एक रिक्वायरमेंट उठाते हैं ना कस्टमर से, जी सर, स्टोरी के तौर पे नोट करते हैं कि जनाब ये ऐसे होगा, सही सर, उसी यूजर स्टोरी का उसी वक्त कस्टमर से ये पूछते हैं कि जनाब आपकी रिक्वायरमेंट तो मुझे समझ आ गई है, आप ये बताएं कि वो क्या शर्त है जिस पे आप इसे कबूल करेंगे, व्हाट इज योर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया? आप बताएं कि जनाब ये चीज जो रिक्वायरमेंट आपने दी है इसमें आपने क्या क्या चीजें चेक करके ये एक्सेप्ट करना है, ये मुझे लिख दें कि जब ये भी इसका नाक भी पूरा हो, कान भी हो, आंखें भी हो, ये तीन चीजें होंगी तो मैं कबूल कर लूंगा, ये कहलाता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है जी। एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज अटैच्ड विद एवरी यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब हर यूजर रिक्वायरमेंट या फॉर दैट मैटर यूजर स्टोरी जो है, हर यूजर स्टोरी के साथ उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का होना जरूरी है। जब मैं एक स्प्रिंट शुरू करता हूं तो मैं कोई ऐसी यूजर स्टोरी नहीं ले सकता, स्टार्ट कर सकता जिसके साथ उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ना हो, क्योंकि अगर मैं ये काम कर भी लूंगा तो साबित कैसे करूंगा कि ये काम हो गया है? कस्टमर कहेगा मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। कस्टमर का दिया हुआ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक तो वो चीज है, उसके बगैर तो कस्टमर कबूल नहीं करेगा। अब मुझे एक और बात बताइए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन है या इंडस्ट्री की तरफ से कोई कंप्लायंस करनी जरूरी है आपके लिए, भले वो कस्टमर ने ना मांगी हो, तो क्या आप कहेंगे कि मैं सब कस्टमर वाला काम करूंगा? वैसे तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने की बात कर रहे थे ना अब तक, अब एक बीच में नई चीज आ गई है, रेगुलेटरी कंप्लायंस। अगर रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी छोड़ेंगे तो भी आपके काम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए इन एडिशन टू द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एसोसिएटेड विद यूजर स्टोरीज, यू ऑल्सो नीड टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। और इन दोनों चीजों को जब मैं मिला देता हूं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी पूरा हो और रेगुलेटरी कंप्लायंस भी पूरी हो, तो दिस गिव्स मी द डेफिनेशन ऑफ डन। डेफिनेशन ऑफ डन, याद रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, डेफिनेशन ऑफ डन। डन तभी होगा आपका प्रोजेक्ट या आपका काम या आपकी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आपका जो स्प्रिंट है, डन तभी होगा जब वो ना सिर्फ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बल्कि रेगुलेटरी कंप्लायंस भी करे। सो जो डेफिनेशन ऑफ डन है उसके अंदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और रेगुलेटरी कंप्लायंस दोनों मिला के होती हैं, इसलिए आपके स्प्रिंट का डेफिनेशन ऑफ डन ये क्रिएट करता है। सो अब हमें एक नई चीज सीखी कि इट इज नॉट ओनली द कंप्लायंस, सॉरी नॉट ओनली द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विच विल गेट यू थ्रू,
बट इन एडिशन टू एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको कंप्लायंस भी चाहिए एंड दिस ऑल टोटल लमसम दिस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डन. ओके, देर आर प्रोज एंड कॉन्स टू ईच अप्रोच. डूइंग द कंप्लायंस वर्क एज वी गो कीप्स इट लिंक्ड एंड रेलेवेंट टू द करंट वर्क. चले ये तो बात ठीक है कि मैं छोटे स्प्रिंट्स में काम कर रहा हूं, कंप्लाई भी साथ साथ करता जा रहा हूं जो रिक्वायरमेंट्स हैं. वी कैन सी इफ यूर इफ आर वर्क प्रैक्टिसेस आर मेकिंग इट इजियर और हार्डर टू पास द कंप्लायंस टेस्ट एंड अडॉप्ट अकॉर्डिंगली. अगर आपको ये लगता है, देखें कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंप्लायंस सफर कर रही है तो मुझे कस्टमर को समझाना पड़ेगा या कस्टमर के काम को अफेक्ट करना पड़ेगा और इनमें बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा. सो एज वी यू नो स्टार्ट द स्प्रिंट वी कीप इम्प्रूविंग दिस स्प्रिंट अकॉर्डिंगली. मतलब इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कंप्लायंस वर्क जो है उसको हम साइड पर डाल दें और सिर्फ कस्टमर पर फोकस हो जाए. नहीं, दोनों के दरमियान बैलेंस रखना है. हाउएवर द डाउनसाइड ऑफ दिस अप्रोच इज दैट एनी सब्सिक्वेंट चेंजेस टू द प्रोडक्ट और इट्स डिजाइन मे इनवैलिडेट द वर्क वी हैव डन बिफोर. ये जरूर है कि मतलब जो कंप्लायंसेज आप पिछले तक कर चुके हैं, बाद में अगर कोई कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बदल लेते, जो कि हमने उसे इजाजत दी हुई आप जब मर्जी बदल लें, तो हो सकता है कुछ चीजें जो हम कर चुके हैं, जो कुछ प्रोसीजर्स जो कंप्लायंस के हम फॉलो कर चुके हैं, वो बेकार हो जाए, मतलब इनवैलिडेट हो जाए, कि वो अब अप्लाई नहीं करते हमें, किए तो थे लेकिन दोज डॉक्यूमेंट्स आर नो मोर रिक्वायर्ड. कोई बात नहीं, इतना वेस्टेज मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार, लेकिन मुझे मैं कंप्लाई भी कर रहा हूं और मैं कस्टमर सेटिस्फाई भी कर रहा हूं और वैल्यू भी डिलीवर किए जा रहा हूं. तो ये एक बड़ा इंट्रिकेट बैलेंस है जो आपने मेंटेन करना है. इन अदर वर्ड्स, टेस्टिंग दैट हैज बीन डन टू डेट माइट नॉट बी रिपीटेड. ठीक है जी. खैर, डूइंग द कंप्लायंस वर्क आफ्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट डजंट अलाउ अस टू ट्वीक आवर प्रैक्टिसेस ऑन द गो, बट इट डज अवॉइड द इशू ऑफ रीवर्क. And assuming that the product passes, it can be sent to final approval, complete with its newly minted compliance documentation. अच्छा, अब यहाँ क्या है? ये वो compliance requirements हैं जो हम traditionally contract में डालते हैं. At the end of the contract, the overall product should be able to perform like this. तो हम ये कह रहे हैं कि हम उसको भी पूरा करने को तैयार हैं, क्योंकि हम उसकी compliance की जितनी requirements थी वो बाय पार्ट्स अपने अपने स्प्रिंट्स में करते आए हैं और हमारी कंप्लायंस यहाँ कंक्लूड हो रही है. तो फाइनल अप्रूवल लेने के लिए वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ इकट्ठी करके पेश कर देंगे और दैट वुड सफाइस द नीड फॉर कंप्लायंस. ठीक है जी. कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है, लीगल रिक्वायरमेंट है या जो कुछ भी है, वो कंप्लायंस हम कर देंगे. तो मतलब ये कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये कहें एजाइल में तो कंप्लायंस होती नहीं. होती है कंप्लायंस. दैट इज वाई The word definition of done has been, ये phrase जो है, इसको introduce इसके लिए किया गया. Most organizations adopt a hybrid approach. They will select a few architecturally significant component to test compliance on as they develop and refine their process until they are comfortable the technology will satisfy the regulatory requirement. So वो क्या करते हैं, sampling type का तरीका करते हैं कि मोटे मोटी जगहों के ऊपर वो उसको demonstrate करके दिखा देते हैं जो main कंपोनेंट्स हैं और कस्टमर को उससे सेटिस्फाई कर देते हैं और कहते हैं जी बाकी काम हमारा एजाइल हो रहा है. देन वंस ऑल द वर्क इज डन, फिर वो अपने बाकी डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट कंप्लायंस टेस्टिंग से लेके टोटल डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाते हैं. दिस क्रिएट्स अ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इन टेस्टिंग द कंपोनेंट्स दे डिड बिफोर, बट इट इज द बेस्ट वे टू बैलेंस एंड मैनेज द रिस्क ऑफ सब ऑप्टिमल प्रोसेस एंड ओवरऑल वर्क. मतलब ये कि साथ साथ करने का फायदा ये है कि अगर उसमें से कुछ जाया भी हो जाए काम तो हमें फिक्र नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो कंप्लायंस में ऐड हो रहा है और आखिर में जो हम कंसोलिडेट कर रहे हैं वो हमारी असल कंप्लायंस है. तो मतलब ये कि वी आर रेडी टू डू दैट मच सेक्रीफाइस कि हम जो कंप्लायंस टेस्टिंग ड्यूरिंग वेरियस स्प्रिंट्स कर रहे हैं दैट मे सम ऑफ दैट वर्क मे गो वेस्ट, ये इतनी बर्दाश्त हम करें. लेकिन इससे बड़ा एडवांटेज हो रहा है कि हम फुल कंप्लायंस कर रहे हैं अपने जो भी रेगुलेशंस. फिर आ जाती है जी प्रायोरिटाइजिंग वैल्यू. तीन चीजें हैं प्रायोरिटाइजिंग वैल्यू के अंदर. कस्टमर की वैल्यू प्रायोरिटाइजेशन है, एक लाजमी बात है कि कस्टमर को जो चाहिए
कस्टमर के लिए जो चीज ज्यादा वैल्यूएबल है। फिर प्रायोरिटाइजेशन स्कीम्स होती हैं और रिलेटिव प्रायोरिटाइजेशन की रैंकिंग होती है। अब हम इसको लेके चलते हैं। प्रायोरिटाइजेशन इज अ फंडामेंटल एजाइल प्रोसेस, आप पहले से देखते और सुनते आ रहे हैं। ऑल्दो ये डिस्कशन थोड़ी ज्यादा डीप है, लेकिन इन चीजों को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई यू नो ऐसी प्रॉब्लम है जो आप ना समझ पा रहे हो, वो मैं कवर कर लूंगा। वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन डेवलपमेंट, ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू वेलकम चेंज, तो वी आर वेलकमिंग द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स किसी वक्त भी हो। ये नहीं है कि सिर्फ शुरू में वेलकम कर रहे हैं, बाद में कह रहे हैं ना ना। वी आर हम इवन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको एक चेंज बताएंगे, हम उसको भी बिल्कुल कंसिडर करने के लिए 100% तैयार है। बट एक्चुअली हैपेंस व्हेन अ न्यू रिक्वायरमेंट इज एडेड टू अ फुली लोडेड प्रोजेक्ट। अब आप अंदाजा कीजिए कि आपकी प्रायोरिटाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। हाउ विल दिस स्क्वीज इन द न्यू वर्क। एजाइल टीम्स आल्सो यूज प्रायोरिटाइजेशन टू कंफर्म दैट दे आर डिलीवरिंग वैल्यू। एक तो वो प्रायोरिटाइजेशन थी जो मैंने शुरू में की थी। अब एक रिक्वायरमेंट आई है से 8वें स्प्रिंट के बाद। अब ये जो ये यूं समझ लीजिए, ये नई रिक्वायरमेंट आई है, ये एक नया एपिक है। इस बाकी काम तो प्रायोरिटाइज पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो एक नया एपिक आया है, पहले इसको रिफाइन करना पड़ेगा, फिर इसको उस प्रायोरिटाइजेशन में डालना पड़ेगा कि ये प्रायोरिटी में कहां आता है, इसको बांट होता जाए। और फिर अगर उसकी कोई रिस्क प्रायोरिटाइजेशन करनी है तो वो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से वो करनी पड़ेगी। तो और ये हर स्प्रिंट के बाद टीम जाके देखती है कि कौन से नई रिक्वायरमेंट्स आई हैं, कौन सी नई यूजर स्टोरीज एपिक आई हैं, उनको फिर वो उनके साथ ये सारा रवा रखा जाता है। एजाइल टीम आल्सो यूजेस प्रायोरिटाइजेशन टू कंफर्म दे आर डिलीवरिंग वैल्यू। वो उस प्रायोरिटाइजेशन जो हमने की हुई है, देखिए उसके मुताबिक वैल्यू डिलीवर भी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो जब रीप्रायोरिटाइजेशन करने जाएंगे तो वहां पे वो करेक्शन कर सकते हैं, क्या मसला है, कहां हमने गड़बड़ कर दी है। याद रखें कि हम कभी भी टीम जब एक्सपीरियंस नहीं होती तो गलतियां कर सकती है। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर टीम गलत अंदाजा लगा के बैठी हुई है तो उसकी प्रायोरिटाइजेशन गलत हो जाएगी। कस्टमर से इंटरेक्ट करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, और कस्टमर से उगलवाने की जरूरत है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनीथिंग इज ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर, उसके हिसाब से हमें काम करना। हर आइट्रेशन के एंड के ऊपर हम बैठ जाते हैं बैकलॉग के साथ, देखते हैं क्या चेंजेस हैं। डू वी स्टिल वांट टू वर्क ऑन फीचर, कोई जो भी हम फीचर पे काम कर रहे थे, क्योंकि यूजर स्टोरी जो है वो एक फीचर पूरा नहीं होती। एक फीचर जो है उसमें कई यूजर स्टोरीज हो सकती हैं। हो सकता है इस फीचर का मैं 2 यूजर स्टोरीज कर चुका हूं, अगली यूजर स्टोरी अगले स्प्रिंट में आने वाली है, लेकिन फीचर बदल गया तो मुझे फिर उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा ना। Any new priorities are captured in the backlog and revisited again at the next planning session. जब तक हम काम करने में या अपने स्प्रिंट को करने में मसरूफ हैं, उस दौरान जो भी कोई चेंजेस आएंगी, जो एपिक्स आएंगी, वो प्रोडक्ट ओनर एक्सेप्ट करेगा और बैकलॉग में डालता जाएगा। लेकिन जब टीम फारिग होके आएगी तब वो फिर जितनी भी नई रिक्वायरमेंट्स आई हैं उनको वो रिफाइन करेगी, प्रायोरिटाइज करेगी और उसके दोबारा सेट करेगी चीजें। उसके बाद फिर वो नए स्प्रिंट पे आएंगे। दिस हेल्प्स इंश्योर दैट वी आर कंटिन्यूइंग टू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स द डिजायर्ड टारगेट। फिर जब कस्टमर वैल्यूड प्रायोरिटाइजेशन है, रेफर्स टू एजाइल प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग ऑन द आइटम दैट यील्ड द हाईएस्ट वैल्यू टू द कस्टमर फर्स्ट। जी पुनो साहब। हेलो सर। सर यूजर स्टोरी और फीचर्स ये थोड़ा ब्रीफ करेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। सर देखिए ऐसा है, मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं एज अ प्रोडक्ट ओनर उससे कहता हूँ जी आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो जो मुझे चीजें बताता है वो बहुत ही वाजे नहीं होती। वो कहता है मैं चाहता हूँ जी मेरी एक वेबसाइट बन जाए, उसके अंदर ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। ठीक है, बड़ी वो हेजी किस्म की रिक्वायरमेंट है, बड़ी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहा उसमें कितने पेजेस होंगे, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जनाब मैं उसे कहता हूँ जी प्लीज कूल डाउन, मुझे ये बताइए कि आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए। वो कहते हैं जी ये फीचर, वो भी बहुत बड़े बड़े हैं फीचर।
अब क्या करता हूँ, मैं एक फीचर को पकड़ लेता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट फीचर एंड लेट अस ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल यूजर स्टोरीज। यूजर स्टोरीज या एपिक्स कह लें कि जनाब आप ये बयान करें कि मिसाल के तौर पे जब एक आदमी PIA के काउंटर पे जाता है तो उसको क्या मुश्किलात का सामना है। फर्ज करें वो कहते जी क्यू, जब एक आदमी टिकट लेने जाता है तो उसको उसके फैसिलिटेट होना चाहिए। अच्छा अब ये तो है एक 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 फीचर कि जी फैसिलिटेशन डेस्क है तो फैसिलिटेट होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या मसाइल हैं। नंबर एक मसला मिसाल के तौर पे ये है कि जो काउंटर पे बंदा ही कोई नहीं बैठा होता मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरा ये है कि क्यू बहुत लंबी है। तीसरा ये है कि वहां पे जनाब जो एनवायरमेंट है वो सूटेबल नहीं है। तो हर एक जो ये वाली बातें हो रही हैं कि मिसाल के तौर पे काउंटर पे बंदा नहीं बैठा था, इसकी एक स्टोरी बनाए कि जब एक आदमी काउंटर के क्यू में लगता है तो क्यू का साइज कम नहीं होता क्योंकि डेस्क के ऊपर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। दूसरा प्रॉब्लम, व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स इन अ क्यू द क्यू इज टू लॉन्ग एंड इट इज नॉट मूविंग। इसका मतलब है जो बंदा डेस्क पे बैठा है इट इज टेकिंग टू मच टाइम। तो मेरा मतलब है हर एक चीज एक अलग अलग यूजर स्टोरी है और ये जो बीच में कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं क्यू में खड़ा होने वाला बंदा, डेस्क पे बैठा हुआ बंदा वगैरह वगैरह, दे आर कॉल्ड पर्सोनास। ये कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कहानी में कैरेक्टर होते हैं, तो हम जब बयान करते हैं तो इन कहानी के कैरेक्टर या पर्सोनास को अपनी यूजर स्टोरी के कैरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो एक यूजर स्टोरी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक या एक मसले को बयान करती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो फीचर था उस फीचर के तीन मसाइल थे, वो तीन मसाइल तीन यूजर स्टोरीज में डिफाइन हो गए और वो पूरा फीचर तब मुकम्मल होगा जब ये तीनों यूजर स्टोरीज मुकम्मल होंगी। और कस्टमर जो है, मैंने जो काम करना है वो यूजर स्टोरी के ऊपर करना है, लेकिन कस्टमर शायद ये नहीं जानता और समझता, वो पूरे फीचर को ही बयान करने की कोशिश करता है एज अ रिक्वायरमेंट। तो मैं क्या करता हूं, उसको कहता हूं ये एपिक, जो फीचर पूरा मैं उठा के ले आता हूं एज अ एपिक, एक किस्से के तौर पे, कि इसको हम बाद में जाके छांटेंगे और इसमें से छोटे छोटे यूजर स्टोरीज निकालेंगे और फिर उन पे काम करेंगे। तो पुनु साहब ये जो एपिक थी ये तकरीबन डिफाइंस सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया ये। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा जी आगे चलते हैं। As new work items are added, such as change request, defect वगैरह। अच्छा ये मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको, ये बातें बीच में आती रहती हैं। एक तो होती है चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट जब आती है किसी भी तरफ से आए, कस्टमर की तरफ से आए या टीम की तरफ से आए या कहीं से भी, मतलब असल में तो चेंज रिक्वेस्ट नहीं होती। मतलब एजाइल में कौन सी चेंज रिक्वेस्ट, एजाइल तो ऑलवेज रेडी फॉर चेंज है, तो इसमें कोई एज सच चेंज रिक्वेस्ट का प्रोसीजर तो नहीं है। लेकिन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट का मैकेनिज्म है तो भले आप इस्तेमाल करें, मगर कहने का मकसद ये है जब भी कोई चेंज लानी पड़ेगी तो वो एक यूजर स्टोरी की सूरत में आएगी। कोई उसके लिए चेंज कंट्रोल बोर्ड नहीं बैठेगा, कोई चेंज रिक्वेस्ट प्रोसीजर नहीं होगा, बल्कि वी विल ओपनली एक्सेप्ट एनी चेंज रिक्वेस्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजर स्टोरी। ये काम किसका है, प्रोडक्ट ओनर का। प्रोडक्ट ओनर का काम है कि वो जो भी कोई तब्दीलियां रिक्वेस्ट की जा रही हैं उनको यूजर स्टोरीज के तौर पे एक्सेप्ट करे। लेकिन एक और भी सूरत होती है जो यूजर स्टोरी बन के सामने आती है, उसको कहते हैं जी डिफेक्ट फिक्सेस। अव्वल तो हमने ये कहा लीन की वजह से डिफेक्ट आना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं कोई डिफेक्ट आ जाए और उसे फिक्स करने की जरूरत हो तो ये भी एक नई यूजर स्टोरी के तौर पे प्रोडक्ट बैकलॉग को टीम की तरफ से भेजा जा सकता है। टीम कहती है कि ये डिफेक्ट आ गया है और ये नई यूजर स्टोरी है और ये बना के उसको पीछे भेज सकते हैं। इसको हम डिफेक्ट को भी यूजर स्टोरी के तौर पर लेंगे। एक और बात मैं यहां पे बताता चलूं कि अगर एस्टिमेशन जब हम करते हैं, एजाइल एस्टिमेशन करते हैं, जब मैं स्प्रिंट शुरू करने लगता हूं तो जब मैं एजाइल एस्टिमेशन करता हूं तो देयर माइट बी सर्टन एरियाज विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जो मुझे करने की समझ नहीं आ रही कैसे होगा, मैंने पहले कभी नहीं ये काम किया। तो उस सूरत में जिस चीज के बारे में इबहाम होता है
और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम एक मतलब उसको निकाल के एक अलग स्पाइक करते हैं. स्पाइक इज लाइक अ स्प्रिंट. स्पाइक इज लाइक अ सेपरेट स्प्रिंट. ये किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है और इसका मकसद सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन या रिसर्च है कि वो जो प्रॉब्लम हमें आ रही है रिक्वायरमेंट की, उस रिक्वायरमेंट को वाजे करने के लिए हमने ये एक स्प्रिंट अलग से चलाया. और ये जरूरी नहीं है इस स्प्रिंट का रिजल्ट जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा. वो सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट कर दे कि जनाब ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, तो इतना काफी है. सच एक्सपेरिमेंटेशन वुड बी कॉल्ड अ स्पाइक. और ये जो डिफेक्ट फिक्सेस हैं और चेंज रिक्वेस्ट हैं, ये दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड एज न्यू यूजर स्टोरीज इन द प्रोडक्ट बैकलॉग. व्हेन द टीम इज रेडी टू प्लान अ न्यू आइटरेशन, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द आइटम्स एट द टॉप ऑफ द बैकलॉग. नेचुरली जब काम शुरू करती है टीम तो ऊपर से शुरू करती है, बैकलॉग के टॉप से वो काम उठाती है. फर्ज करें आप समझते हैं आप 250 स्टोरी पॉइंट्स का काम कर सकते हैं, तो जब आपने एस्टिमेशन की हुई है तो आपने की हुई है कि जनाब ये पहला वाला स्टोरी जो है ये 25 स्टोरी पॉइंट की है, दूसरी 20 की है, तीसरी 50 की है, व्हाटएवर. तो अब जनाब आप उसके हिसाब से वो स्टोरी पॉइंट्स उठाते हैं, टॉप से उठाना शुरू करते हैं. 50 ये उठा लिए, 25 ये उठा लिए, 20 ये उठा लिए, और जब वो आपके 250 के करीब हो जाते हैं, जो कि आपने जितना पिक करने का आपकी आपकी जितनी वेलोसिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उतना काम जब आप उठा लेते हैं तो उसको उठा के आप ले आते हैं. बल्कि उसको पहले प्रोडक्ट ओनर से अप्रूव कराते हैं, प्रोडक्ट ओनर उसको कमिट करता है कि जनाब ये आपको काम आपका हुआ, अब आप करें. तो कमिट करने का मतलब है कि वो ये चेक रखता है प्रोडक्ट ओनर कि कस्टमर इन कामों में किसी में तब्दीली सजेस्ट कर दे. अगर करे तो वो उसको बताता है कि ये काम अंडर गोइंग है, इसमें आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये चेंज हो पाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल ही चेंज रिक्वायरमेंट है और इसको करना पड़ेगा तो फिर मुझे बता दें ताकि मैं अगली स्प्रिंट में इसको कंसिडर करूं. लेकिन अभी जो काम शुरू हो गया है वो जिस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के तहत दिया गया है उसके तहत ही चेक होगा, लेकिन जो इंप्रूवमेंट आप बता रहे हैं वो हम आपको अल्टीमेटली कर दें. अच्छा जी, डिफरेंट जो एजाइल की मेथोडोलॉजीज हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. स्क्रम जो है वो प्रोडक्ट बैकलॉग रखती है. जो फीचर ड्रिवन डिप्लॉयमेंट है वो उसके अंदर प्रोडक्ट बैकलॉग नहीं होता, FDD के अंदर फीचर लिस्ट होती है. इसी तरह DSDM जो मैंने कहा UK बेस्ड सिस्टम है, DSDM बड़ा इफेक्टिव मेथड है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट बैकलॉग नहीं होता, उसके अंदर प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट लिस्ट होती है. मतलब यह है प्रोडक्ट बैकलॉग स्क्रम की टर्मिनोलॉजी है. ऑल्दो वी अंडरस्टैंड कि आजकल के जितने भी नए मॉडर्न फैशनेबल तरीके हैं, सेफ है, डिसिप्लिनड एजाइल है, स्केल्ड एजाइल है, वो सब स्क्रम को इस्तेमाल करते हैं और स्क्रम की टर्मिनोलॉजी को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जो पुरानी टर्मिनोलॉजीज थी, जो पुराने मेथड्स थे जिसमें FDD है, वहां प्रोडक्ट बैकलॉग इस्तेमाल नहीं होता था, वहां फीचर लिस्ट इस्तेमाल होती थी. DSDM में प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट लिस्ट आज भी इस्तेमाल हो रही, मगर ये कि भले वो ये हो, वो हो या वो हो, तीनों एक ही चीज है, एक ही चीज के डिफरेंट नाम है. टीम वर्क्स थ्रू अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, मतलब तीनों लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, तो टीम जो है वो लिस्ट ऑफ आइटम्स को एक प्रायोरिटी के हिसाब से ऊपर से नीचे की तरफ करना शुरू करती है. आइडेंटिफाइएबल वैल्यू एंड हैव बीन प्रायोरिटाइज बाय कस्टमर एंड प्रोडक्ट ओनर. तो बुनियादी तौर पर काम वही हो रहा है, लेकिन टर्मिनोलॉजी या नाम उस चीज का, या इन सम केसेस थोड़ी बहुत डेफिनेशन भी थोड़ा डिफर कर सकती है, लेकिन मैकेनिज्म अंदर का वही है, क्योंकि पीछे इंजन तो एजाइल का लगा हुआ है ना. बाय आस्किंग द कस्टमर व्हाट देयर टॉप प्रायोरिटी फीचर्स आर, वी लर्न अबाउट देयर मोटिवेशंस, रिस्क एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. तो रिस्क भी हमें यही पता चलते हैं और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी यहीं से पता चलता है. अ टीम दैट डजंट प्रैक्टिस कस्टमर वैल्यू प्रायोरिटाइजेशन इज लाइकली टू मिस आउट ऑन आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो टीम खुद ब खुद ही प्रायोरिटाइजेशन करनी शुरू कर दे और कस्टमर से बात किए बगैर और उसको समझे बगैर, तो आप समझ लीजिए
कि आप कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे और कहीं ना कहीं मतलब ये जो कहते हैं ना एक्शन आइटम्स मिस कर जाएंगे। असल एक्शन किधर है वो कस्टमर बताएगा ना आपको, अगर आप गलत समझ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। कस्टमर वैल्यू प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि कस्टमर की मर्जी के मुताबिक, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और थ्रू द प्रोजेक्ट चलता रहता है, इसलिए हम कहते हैं वी वेलकम चेंज ऑल द टाइम इवन लेट इन द डेवलपमेंट साइकिल। प्रायोरिटाइजेशन स्कीम, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रायोरिटाइजेशन स्कीम दैट इज बेस्ट फॉर एजाइल मेथड प्रोजेक्ट्स। ईच टीम शुड चूज देयर प्रायोरिटाइजेशन स्कीम बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अपने प्रोजेक्ट को देखें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के असूल और जवाबित को देखें, उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटाइजेशन की स्कीम बनाएं। लेट्स लुक एट सम ऑफ द कॉमन प्रायोरिटाइजेशन स्कीम सच एज एजाइल प्रोजेक्ट्स यूज्ड इन एजाइल। ओके, क्या है कि ये कुछ मेथड्स हैं, देखिए जरा बड़े इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर ना सिंपल स्कीम्स हैं, मॉस्को है, मोनोपोली है, मोनोपोली मनी, 100-point मेथड, डॉट वोटिंग और मल्टी वोटिंग, कैनो एनालिसिस, रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन मॉडल, ये मैं क्विकली आपको स्कैन थ्रू कराता हूं। और आप हैरान होंगे कि ये इतने सादा मेथड है, हम इतनी मुंह टेढ़ा करके इतनी अंग्रेजी बोलते रहे हैं, लेकिन आप हंसेंगे इस बात पर हाउ सिंपल दीज मेथड्स आर। लेट अस स्टार्ट विद सिंपल स्कीम। सिंपल स्कीम क्या होती है? प्रायोरिटाइजेशन है, ये मेरे पास पड़े हुए जनाब 500 रिस्क अपना यूजर स्टोरीज पड़ी हैं, इनको मैंने प्रायोरिटाइज करना है। कहता है वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्कीम्स इज टू लेबल आइटम्स एज प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। बस सीधी कहानी, आप कहें कि जनाब इन सारे आइटम्स में आप इसको 3 प्रायोरिटियां दे दें, हर एक काम को 1 है या 2 है या 3 है बस, और फिर 1 वाले आइटम ऊपर आ जाएंगे, 2 वाले नीचे आ जाएंगे, 3 वाले नीचे आ जाएंगे। ये है सादा सादा बात। इसमें ये ऐसा ही है जैसे आप कहें कि हाई, मीडियम और लो में डिवाइड कर लो, 3 कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर लिया, लेकिन जो ज्यादा जरूरी काम थे वो ऊपर चले गए, हाई में चले गए, फिर मीडियम वाले आ गए, फिर लो में आ गए। काम हमारा इस तरह भी चल जाएगा, ऑल दो इससे ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकता है, हम और ज्यादा प्रिसाइज हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए सादा स्कीम भी अप्लाई करेगी, ऐसे भी काम चलेगा। आपने अपनी टोटल जितनी भी यूजर स्टोरीज थी उनको हाई, मीडियम, लो या प्रायोरिटी 1, 2, 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और फिर प्रायोरिटी 1 आइटम ऊपर रखे, 2 नीचे रखे, 3 नीचे रखे, एंड देयर यू गो। ऐसा मुमकिन है, ये भी प्रायोरिटाइजेशन स्कीम ही है।